आप डीजल और पेट्रोल तो स्वादानुसार चेंज कर ही सकते हो। तो हुंडई की नई वेन्यू मार्केट में आ चुकी है और इसके अलावा जो इसकी प्राइस है स्टार्टिंग की ई वेरिएंट की 6.5 लाख वो काफ़ी कमाल की है। हालांकि इस ई वेरिएंट में आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलता है, लिटरली कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसको खरीद लोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग की ई वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि बाकी अगर अदर वेरिएंट के साथ जाते हो तो काफ़ी कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी कमाल की ये कॉम्पैक्ट सी एसयूवी है। मतलब आज के ट्रैफिक भरे टाइम में आप अगर कोई कॉम्पैक्ट सी चीज़ चलाते हो तो ही एक बेटर सॉल्यूशन निकल के आता है, अदरवाइज तो पूरे दिन ट्रैफिक में फंसे रह जाओगे। तो ये काफ़ी कमाल की सी लगती है मेरे को, मतलब लुक वाइज, फीचर्स वाइज। और इसका जो हाईलाइटिंग फीचर है वो है ब्लू लिंग। अब ब्लू लिंग जिसको पता नहीं है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे गाड़ी की बात करूँगा कि आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, कितनी प्राइस रेंज में देखने को मिलता है और आपको इसमें क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं किस प्राइस रेंज में। तो ब्लू लिंक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक कनेक्टिंग फीचर है। आपकी गाड़ी में एक इनबिल्ट सिम कार्ड डला हुआ है जिसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लोगे। आपको अपने फ़ोन में हुंडई का ब्लू लिंक ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद ये गाड़ी से आपकी कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी की आपको आपके फ़ोन पर ही देखने को मिल जाएंगी। लाइक आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कितना, मतलब कब चेंज करवाना है, एयरबैग्स की इन्फॉर्मेशन, स्टेयरिंग की इन्फॉर्मेशन, बाकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, सस्पेंशन की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने ऐप के थ्रू ही डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। और उसके ऊपर अगर बात करें हम सर्विसिंग की, आप अगर सर्विसिंग के लिए जाते हो तो आप अपने फ़ोन से ही देख सकते हो कि मेरी गाड़ी में कौन सी चीज़ें की कमी है, मतलब मेरे को डलवाना क्या क्या है। इसमें इंजन ऑयल डलवाना है, एयर फिल्टर डलवाना है, इसी के साथ आपको ब्रेक शू चेंज करवाने हैं। तो सारी चीज़ें आपको ऐप के थ्रू ही पता चल जाएंगी कि इस बार सर्विसिंग में आपको ये करवाना है, अगर आपको पता नहीं भी हो तो भी। और इसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सकते हो, मतलब कहीं दूर हो फिर भी आपको लॉक या अनलॉक करना है गाड़ी को तो आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपको इमेजिनरी कहीं जाना है 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, तो आप अपनी गाड़ी का एसी फिक्स टेम्परेचर पे सटा के छोड़ सकते हो कि मेरे को अपनी गाड़ी में जब मैं घुसूंगा तब मेरे को 24 डिग्री चाहिए, 20 डिग्री चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो उसको। और आप अपनी गाड़ी में जब घुसोगे आपको सेम आपकी गाड़ी ठंडी उतनी टेम्परेचर पे मिलेगी। और इसी के साथ आप अपनी गाड़ी को लाइव ट्रैक कर सकते हो, मतलब आपकी गाड़ी को कोई मांग के लेके गया है तो आप पीछे से उसको ट्रैक कर सकते हो कि बंदा कहाँ जा रहा है, कितनी स्पीड में जा रहा है। तो ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है। इसके साथ आपको सेफ्टी फीचर्स भी इसके साथ काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं। इसके साथ आपको वैनिटी मिरर पे 3 बटन देखने को मिलेंगे, जो पहला बटन SOS का होगा, दूसरा बटन आपको RSA का देखने को मिलेगा, रोड साइज असिस्टेंस का, और तीसरा ब्लू लिंक का देखने को मिलेगा। इसमें जो सबसे पहला बटन है SOS का, उससे आप फायर और पुलिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ जो दूसरा बटन है रोड साइड असिस्टेंस का मिडिल बटन, उससे आप अगर ब्रेक डाउन के वक्त या फिर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए उसके वक्त ये काम आएगा आपको। और इसी के साथ जो तीसरा बटन है उससे आप डायरेक्टली हुंडई के कॉल सेंटर से कनेक्ट हो जाओगे, मतलब आपका गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है और आपको मैकेनिक नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली हुंडई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हुंडई के मैकेनिक आएंगे और आपकी गाड़ी को ठीक कर देंगे। तो ये तो हो गई पूरी ब्लू लिंक की कहानी की, ये आपको ब्लू लिंक के चलते देखने को मिलता है। अब आपको गाड़ी में क्या देखने को मिलता है, कौन से वेरिएंट में आपको कितनी प्राइस देखने को मिलती है और किस वेरिएंट को आपको लेना चाहिए, किस वेरिएंट में आपको कितने फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसकी बात मैं आपसे डिटेल में करता हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि ये है कंपलसरी सी चीज़। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग में मैं आपसे बात करता हूँ जो 6.5 लाख रुपए का आपको देखने को मिलता है ई वेरिएंट, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ खास तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या क्या देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, तो आपको रियर पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग के ई वेरिएंट में। इसी के साथ सेफ्टी फीचर्स की मैं आपसे बात करूं तो आपको फ्रंट के 2 एयरबैग्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ISO फिक्स देखने को मिलेगा, ऑटो लॉकिंग डोर्स आपको देखने को मिलेंगे और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो लॉक डोर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये आपको सेफ्टी फीचर्स में इसमें देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ आपको इसमें लाइट्स के मामले में डे नाइट IRVM देखने को मिलेंगे और ब्रेक्स के मामले से बात करूं तो डिस्क ब्रेक EBD के साथ आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और कलर वेरिएंट्स आपको इसमें कौन से देखने को मिलेंगे, तो आपको इसमें सिल्वर देखने को मिलता है, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, ग्रे और डीप फॉरेस्ट जैसे प्राइमरी कलर ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं।
हालांकि कलर वगैरह आप इंटीरियर के साथ ये सारी चीज़ें ना आगे जाके चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन वो ऊपर के वेरिएंट में होगा। जो स्टार्टिंग के वेरिएंट में है ई वेरिएंट, उसमें आपको यही देखने को मिलने वाला है। आपको इसमें 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। और आपसे मैं बात करूँ कि आपको इसमें इंजन ऑप्शन कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल का और 1.4 लीटर डीजल का। जो 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन है उसकी कीमत आपको 6.5 लाख रुपये देखने को मिलती है, और 1.4 लीटर डीजल की कीमत आपको 7,75,000 रुपये देखने को मिलती है। अब इसमें क्या क्या देखने को नहीं मिलता है, जो मेजर चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको कोई साउंड सिस्टम इसमें देखने को नहीं मिलता है, स्पीकर्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, रिमोट की नहीं देखने को मिलेगी, और जो रियर की विंडोज़ होंगी वो मैन्युअली एडजस्ट होंगी, मतलब आप इसमें पावर विंडो नहीं पाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें मिस करोगे, और बाहर आपको फोग लैंप्स वगैरह सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जो ई वेरिएंट को ऑलवेज स्किप करना, अगर आप हुंडई के ई वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं, हुंडई वेन्यू ई वेरिएंट के साथ, तो प्लीज़ उसको स्किप कर दें, अदरवाइज आपको लेने के बाद पछतावा होगा कि ये मैंने क्या ले लिया, इसमें तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, कोई एसयूवी वाली फील नहीं आ रही है। तो अब तक आपने सोचा हुआ था ई वेरिएंट के लिए काफ़ी कम पैसे लग रहे हैं, मैं तो वेन्यू ले लूँगा, तो इसमें वेन्यू का कोई मज़ा ही नहीं है। तो अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ ई से आगे आने वाले वेरिएंट की, जो है एस वेरिएंट। अब एस वेरिएंट में आपको क्या खास देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी आपको इसमें इंजन वेरिएंट कितने देखने को मिलते हैं। दो वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 1.2 लीटर पेट्रोल का और 1.4 लीटर डीजल का। जो 1.4 लीटर पेट्रोल का देखने को मिलता है उसकी कीमत निकल के आएगी 7,20,000 रुपये, और इसी के साथ जो 1.4 लीटर डीजल इंजन निकल के आता है उसकी आपको कीमत पड़ेगी 8,45,000 रुपये। तो इसके बाद आपको क्या क्या फीचर्स अपग्रेड इसमें देखने को मिलने वाले हैं कंपेयर टू ई वेरिएंट के। तो सबसे पहले आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, फ्रंट में 2 टूटर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, रूफ रेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ जो इंटीरियर है ब्लैक कलर में वो आपको इसमें कन्वर्ट होकर खादी में देखने को मिलेगा, जो काफ़ी कमाल की चीज़ है। और जो स्टार्टिंग की ब्लैक ग्रिल थी वो आपको क्रोम में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी कमाल का लुक उभार के देने वाली है आपकी वेन्यू को। और स्टेयरिंग पे आपको मोबाइल और म्यूजिक के कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ जो रियर की विंडोज़ हैं वो भी पावर हो जाती हैं, मतलब अब आपकी सारी विंडोज जो हैं वो पावर से कनेक्टेड हैं। और इसी के साथ आपको इसमें रिमोट की देखने को मिल जाएगी, और रियर में एसी वेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी छोटे मोटे फीचर्स हैं जो ई वेरिएंट के मुकाबले एस वेरिएंट में आपको इंक्रीज देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, मतलब आपको एक एसयूवी वाला फील एक एस वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा, ई वेरिएंट कभी भी आपको वो फील नहीं दे सकता, क्योंकि आपको उसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जब आप ई वेरिएंट के अंदर बैठोगे तो आपको पता चलेगा कितनी सादी सी गाड़ी है वो। तो अगर आप ई वेरिएंट का सोच रहे थे उसको स्किप करें, और आप अगर आपके पास बजट कम है और हुंडई वेन्यू लेना चाहते हैं तो एस वेरिएंट के साथ जाएं, क्योंकि एस वेरिएंट आपको एक छोटा सा एसयूवी वाला फील देता है। अब जो यहाँ पे आपका जो तीसरा वेरिएंट निकल के आता है वो आपको वेन्यू वाली फील ला के देगा, कि यहाँ इसमें बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि ये है हुंडई की रियल वेन्यू। तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1 लीटर पेट्रोल का और 1.4 लीटर डीजल का। तो जो 1 लीटर पेट्रोल का है उसकी प्राइस निकल जाती है 9,54,000 रुपये, और 1.4 लीटर डीजल इंजन है उसकी प्राइस निकल जाती है 9,78,000 रुपये। अब आपसे बात करूँ मैं इसमें क्या फीचर अपग्रेड आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें 8 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी कमाल की चीज़ है, आपकी अंदर के इंटीरियर को काफ़ी इन्हांस करता है वो। इसी के साथ आपको इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड प्ले का सिस्टम देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ जो हेडलोजन हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं वो इसमें कन्वर्ट होके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में आ जाते हैं, जो काफ़ी कमाल की चीज़ है। और इसी के साथ प्रोजेक्टर फोग लैंप्स देखने को मिलते हैं, LED DRLs देखने को मिलते हैं, LED टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और इसी के साथ विंग मिरर पे इंडिकेटर भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और 16 इंचेस के आपको इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ सनरूफ भी इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये जो SX वेरिएंट है वो अपने लुक को अपर लेवल पे लेके जाता है, जहां आप इंटीरियर की बात कर लो चाहे एक्सटीरियर की बात कर लो, दोनों ही चीज़ें आपस में मिलके काफ़ी कमाल की एक SUV बनाती हैं, जो है हुंडई वेन्यू SX।
तो इस वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो देखने को मिल जाती हैं जो एक नॉर्मल इंसान चाहता है। तो 9.5 लाख रुपए की प्राइस में, 9,78,000 रुपए की प्राइस में आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। हालांकि ब्लू लिंक तो इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लू लिंक आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो ब्लू लिंक आपको देखने को मिलेगा, जो ऊपर के वेरियंट्स में देखने को मिलेगा SX और SX प्लस में, उसकी वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपये से बढ़ जाती है। तो अगर आप 2 लाख रुपये 9,78,000 रुपये में और जोड़ देते हो तो उसके बाद तो आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट भी मिल जाएगी। तो बहुत सारे आपको वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएंगे फोर्ड की इको स्पोर्ट में भी और बहुत सारी अलग गाड़ियों में भी। तो मेरी तरफ से जो हाईली रिकमेंड है कि आप इसको ले सकते हो वो है हुंडई वेन्यू का SX वेरिएंट। तो इसके साथ आप जा सकते हो, ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ मैं आपसे बात कर लूँ ऊपर वाले फीचर्स की SX और SX प्लस की, तो इसमें आपको छोटे मोटे फीचर्स का अपग्रेड देखने को मिलता है। सबसे बड़ा फीचर्स तो आपको इसमें ब्लू लिंक देखने को मिलेगा, एंटी थिफ अलार्म इसमें देखने को मिलता है, HD डिस्प्ले इसमें देखने को मिलती है, क्रोम डोर हैंडल आपको देखने को मिलता है, और इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलता है एयर प्यूरीफायर। तो आई डोंट थिंक कि 2 लाख रुपए में ये वर्थ है इतनी छोटी छोटी चीज़ों की। तो आप SX वेरिएंट के साथ जाएं, ये बिल्कुल कमाल की चीज़ हो जाएगी। और जिसके पास पैसे हैं कि भाई मेरे को वेन्यू लेनी है और पैसे की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो पक्का चला जाए SX प्लस वेरिएंट के साथ। उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा जो आप एक एक्सपेक्ट करते हो SUVs से। तो यार यही तो मेरे ओपिनियन इसी हुंडई वेन्यू को लेके। हालांकि आप डीजल और पेट्रोल तो स्वादानुसार चेंज कर ही सकते हो कि मुझे कौन सा वाला परफेक्ट रहेगा। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें, और आपकी क्या है ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पक्का ना भूलें। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।